वेलकम बैक स्टूडेंट। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द माउथ। हमने माउथ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी। माउथ से रिलेटेड जो पार्ट था उसका हमने डायग्राम भी बनाया था। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द बक्को फेरेंजियल कैविटी। हेडिंग डाल दीजिए बक्को फेरेंजियल कैविटी। ये क्या होता है? बक्को फेरेंजियल जो कैविटी होती है वो बनी होती है स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो बना होता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का, राइट। द फेरिंग्स इज अ वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट प्लेट। जो फेरिंग्स होता है वो वर्टिकल कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सॉफ्ट पैलेट के पीछे पाया जाता है। द फूड एंड एयर पासिस अक्रॉस द फेरिंग्स, ठीक है। तो फूड और एयर का जो कॉमन पैसेज होता है उसी को हम कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, नेजो फेरिंग्स, ऑरो फेरिंग्स एंड लैरिंजो फेरिंग्स, ठीक है। तो अब बक्को फेरेंजियल कैविटी के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इट इंक्लूड्स टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट, या इस तरह से लिख लीजिए एंटीरियर बक्को फेरेंजियल पार्ट, और दूसरा हो गया पोस्टीरियर बक्को फेरेंजियल पार्ट। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ओके। एंड द एंटीरियर पार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके बने होते हैं? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड फाइड epithelial cell, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा ही होगा द टिश्यू में, टिश्यू के बारे में डिफरेंट टाइप के। तो ये किसके बने होते हैं? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड epithelial cell के बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किसका बना होता है? इट इज मेड अप बाई कॉलमनर epithelial cells। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ओके। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बक्को फेरेंजियल कैविटी। एंटीरियर पार्ट जो कि बना होता है किसका? स्क्वामस का। और पोस्टीरियर पार्ट बना होता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल का, राइट। नेक्स्ट आता है इसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट। देख लीजिए फैरिंग्स, इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर structure found behind the soft palate, okay। जो हमारा soft palate है इसके जस्ट पीछे पाया जाता है
पाइप जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, और इस फेरिंग्स से दो दो ही चीज़ों का मूवमेंट होता है, वाटर का भी, फूड मटेरियल का भी और गैसेस का भी। नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड थर्ड नोन एज लैरिंजो फेरिंग्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द फेरिंग्स इंटू थ्री पार्ट्स, नेजो, ओरो एंड लैरिंजो। यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन होता है, इसी को हम लैरिंग्स भी कहते हैं। नाउ लुक एट द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी के कुछ मेन जो फीचर्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बक्कोफेरिंजियल कैविटी। फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं पैलेट। स्ट्रक्चर्स ऑफ बक्कोफेरिंजियल कैविटी, फर्स्ट आता है, इसको हम पैलेट कहते हैं। What is palate? The roof of the buccal cavity is called palate. जो buccopharyngeal cavity है उसके नीचे का जो हिस्सा है यानी roof जो बनाता है उसी को हम buccopharyngeal cavity कहते हैं। Palate is the part of the roof of buccal cavity. तो जो buccopharyngeal cavity है या buccal cavity है उसका जो roof है उसी को हम palate कहते हैं। तो लिख लीजिए, पैलेट इज अ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द पैलेट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द थ्री रीजन्स। जो पैलेट है उसको हम तीन रीजन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला है हार्ड पैलेट, दूसरा है सॉफ्ट पैलेट और तीसरा कहलाता है वेलम या वल्वा। ठीक है, तो पैलेट को फर्दर हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इस तरह से बना लेते हैं, डिवीजन कर लिया। फर्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। दूसरा आता है इसके बाद जस्ट सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और इसके बाद आता है थर्ड जिसको हम कहते हैं वेलम या फिर वल्वा, वल्वा। ओके, नाउ व्हाट इज हार्ड पैलेट? इट इज द एंटीरियर पार्ट व्हिच इज अ बोनी पोर्शन और फॉर्म्ड ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन। इन द केस ऑफ ह्यूमन यहाँ पर मैक्सिला और पैलेंटाइन जो बोन्स होते हैं इनके फ्यूजन से ये पार्ट बनता है। तो लिख लीजिए, हार्ड पैलेट इज द एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट, क्योंकि ये हार्ड है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन के फ्यूजन से बनता है, मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड पैलेट हैव ट्रांसवर्स रिजेस जिसको हम पैलेंटाइन रग भी कहते हैं। यहाँ पर रिजेस पाए जाते हैं, आप चेक करके देख सकते हो अपने हार्ट पैलेट पे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको उभार से नजर आते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पैलेंटाइन रग।
तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर आपको पैलेंटाइन रग्स देखने को मिलते हैं। पैलेंटाइन रग्स का कंपेयर करें एक हर्बी वोरस और कार्नी वोरस से, तो कार्नी वोरस में ज़्यादा वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ वेल डेवलप्ड इन कार्नी वोरस मैमल्स, वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस। समझ रहे हैं ना कार्निवोरस में क्यों वेल डेवलप होता है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द मीट एंड बोन्स। तो यहां पर जो हार्ड पैलेट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा फर्म हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जो रिजेस हैं वो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं जिससे ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है। राइट, नाउ लुक एट द सॉफ्ट पैलेट। द सॉफ्ट पैलेट इज द पोस्टीरियर सॉफ्ट पार्ट विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। देख लीजिए, इट इज फाउंड जस्ट बिहाइंड द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सॉफ्ट पार्ट, नोन एज पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट या पार्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड मसल्स। ओके, ये किसके बने होते हैं, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है थर्ड, वल्वा। वल्वा इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। इसमें लिख लीजिए, वल्वा इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो लिख लीजिए, इट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द मोस्टीरियर पोस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ओके, सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट पॉइंट, विच हैंग्स इन द रीजन ऑफ द फैरिंग्स। ये एक्चुअली जो फैरिंग्स का रीजन होता है वहां पर हैंग होते रहते हैं, लटकते से रहते हैं। अगर आपने कफ का एडवर्टीजमेंट देखा हो, कफ सिरप का या फिर विक्स का टैबलेट का, तो आपने देखा होगा कि जब माउथ ओपन किया जाता है तो यहाँ पर सेमी राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरह से हैंग करता रहता है, जस्ट लाइक दैट। ये वाला हिस्सा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। यू कैन चेक इन योर माउथ, ओपन कीजिए और बीच में ये हैंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसी को हम वल्वा कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इट हैंग्स इन द रीजन ऑफ फैरिंग्स। ओके, इट हैंग्स इन द रीजन ऑफ ऑफ फैरिंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इट वर्क्स एक्चुअली, इसका फंक्शन क्या है। इट इनक्लोजेस द इंटरनल नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग डीग्लूटिनेशन। ठीक है, जब भी कोई चीज़ हम इनगल्फ कर रहे होते तो इंटरनल नॉस्ट्रिल को ये क्लोज कर देता है। ठीक है, लिख लीजिए, इट encloses the
द इंटरनल नॉस्ट्रिल ओके। तो इसका फंक्शन क्या है कि इंटरनल नॉस्ट्रल को क्लोज कर लेता है ड्यूरिंग डीग्लूटिनेशन। सो यहां से समझा जा सकता है कि जब हम कोई चीज इंगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं एज अ फूड, तो जो वल्बा पोर्शन होता है वो हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल को बंद कर देता है। और इसका फायदा क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल है वो एयर पैसेज के लिए बनी होती है, तो एयर पैसेज में कोई भी फूड प्रोडक्ट या सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। दैट इज द फंक्शन ऑफ वल्वा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पैलेटाइन ग्लैंड्स। यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पैलेटाइन ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग, पैलेटाइन ग्लैंड। ओके, यहां पर बेसिकली कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? यहां पर बेसिकली म्यूकस ग्लैंड ही पाई जाती है और इनकी संख्या न्यूमरस होती है। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज वाज कवर्ड बाय द म्यूकस ग्लैंड एंड द चीफली इट इज चीफली प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट रीजन में ये ज्यादा पाए जाते हैं एंड दे सीक्रेट म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन पर्पजेस। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए म्यूकस ग्लैंड, ये पाए जाते हैं, फाउंड मैक्सिमम इन सॉफ्ट पैलेट एरिया। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस ग्लैंड? ये क्या करते हैं? वाटरी लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं और इसकी वजह से जो बक्को फेरेंजियल कैविटी है उसमें ल्यूब्रिकेशन प्रोसेस चलती रहती है, तो इट ल्यूब्रिकेट्स। म्यूकस ल्यूब्रिकेट द एरिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए, नेजो पैलेटाइन डक्ट। कहां पर होते हैं? द नेजो पैलेटाइन डक्ट इज फाउंड इन वन पेयर्स। ठीक है, इट इज फाउंड इन अदर मैमल्स जैसे कि रैबिट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक्सटेंड करते हैं नेजल पैसेज को टू द बक्कल पैसेज। ठीक है, तो इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द नेजल पैसेज टू द बक्कल पैसेज एंड इट कंटेन्स जैकबसन ऑर्गन विच इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर खास बात क्या है, किस लिए मैंने आपको यहाँ पर स्पेशली बताया? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है जैकबसन ग्लैंड जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिर्फ एक पॉइंट में लिख लीजिए, फाउंड इन मैमल्स एग्जाम्पल रैबिट, सेकेंड पॉइंट इट कंटेन्स जैकबसन ऑर्गन, विच इज रिलेटेड विद द ऑल फैक्ट्री लोब या ऑल फैक्शन।
रिलेटेड विद द ऑल फैक्शन. ऑल फैक्शन का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो जैकब्सन ऑर्गन पाया जाता है वो स्मेल से रिलेटेड होता है. नेजोपैलाइन के बाद आता है नेक्स्ट बेबरीसी. बेबरीसी क्या होता है? ये एक्चुअली टफ्ट ऑफ हेयर है जो अपर लिप में पाया जाता है. आप मैमल्स में कंसीडर करेंगे या हाँ, ज़्यादातर मैमल्स में आपको देखने को मिलता है. कैट है, रैबिट है, आपने देखा होगा वहाँ पर हेयर लाइक बिग टफ्ट पाए जाते हैं, इवन इन द ह्यूमन बींग्स आल्सो. बट ये टफ्ट थोड़ा सा अलग होते हैं क्योंकि ये सीधे प्रोजेक्टेड होते हैं और इसी को हम कहते हैं बिब्रेश. इसके बाद आता है हेयर क्लेफ्ट. ये क्लेफ्ट किस में पाया जाता है? रैबिट के केस में और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, बट ह्यूमंस में नहीं पाया जाता. बेबरेसी में लिख लीजिए, इन द केस ऑफ रैबिट इट इज फाउंड एज अ टफ्ट ऑफ हेयर्स. टफ्ट ऑफ हेयर्स found in mammals mammals like a rabbit rabbit ke case mein dikhai padta hai. Next, hair cleft. हेयर क्लिफ्ट क्या होता है? ए क्लिफ्ट इज अ अपर लिप ऑफ रैबिट विच इज अ बाइलोब्ड. ठीक है, जो अपर क्लिफ्ट पाए जाते हैं वो एक्चुअली बाइलोब्ड होती है, दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, इसी को हेयर क्लिफ्ट कहते हैं. ठीक है, लिख लीजिए इसमें ई क्लिफ्ट ऑफ अपर लिफ्ट ऑफ अपर lip found in rabbit. और इससे क्या होता है कि जो अपर लिप होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, बाई लोब्ड कंडीशन पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट आता है टंग. हैंडिक डाल दीजिए टंग. टंग, इसी को हम लिंगवी भी कहते हैं. ठीक है, जो हमारी टंग होती है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो पाई जाती है. ये हाईली मैस्कुलर होते हैं और मीजोडर्मल सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. ये प्रोट्यूसिबल होती है, यानी हम टंग को बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, और किसके बाहर निकाल सकते हैं? इसको हम कहते हैं बक्को फारेंजल कैविटी, और कैविटी से टंग को बाहर निकालने की क्षमता पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं प्रोट्यूसिबल टंग. एंड द सेल्स विच इज फाउंड इन द बक्को फारेंजल कैविटी इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है. तो लिख लेते हैं टंग के बारे में. इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. एक्टोडर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी जो बॉडी है वो थ्री प्रिज्मेटिव लेयर से मिलकर बनी होती है. एक्टोडर्मल यानी सबसे बाहरी लेयर, मीजोडर्म मिडिल लेयर, और एंडोडर्म यानी सबसे लास्ट की लेयर, नीचे की लेयर. तो ये किसकी बनी होती है हमारी टंग? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इसे हम लिंगवी भी कहते हैं. ब्रैकेट में लिख लीजिए टंग को लिंगवी भी कहते हैं. GUE. ओके, नेक्स्ट पॉइंट
द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस विच इज नोन एज पैपिली. जो टंग पाया जाता है उसके ऊपर छोटे छोटे उभार से नज़र आते हैं. आप अपने टंग को मिरर में ध्यान से देखिए तो आपको देखा ही पड़ेगा कि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, इसमें उभार और गर्थ यानी अनइवन सरफेस पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शंस और इसका नाम देते हैं पैपली. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रा अ डायग्राम ऑफ टंग बाई विच यू डू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ पैपली विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बड. टेस्ट बड के फॉर्म में जो डिफरेंट टाइप के पैपलीज हैं वो आप समझ सकोगे डायग्राम के थ्रू. तो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो. सो फॉलो द डायग्राम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम विच आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर. ये ह्यूमन टंग का डायग्राम है. लुक एट द प्रोट्यूसिबल पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है. यह रियल टंग है. यह हाईली मस्कुलर पाया जाता है. यू कैन सी द रीजेस. ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. नाउ इसको और अच्छे से डायग्राम को क्लियर करते हैं. दिस इज अनदर पार्ट व्हिच इज फाउंड इनसाइड. ओके, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लॉटिस. इससे को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. नेक्स्ट, इस हिस्से को हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स. टॉन्सल्स आपने देखा होगा कि यहाँ पर उभार आता है बच्चों के गर्दन के पास. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सल्स. और उसके बाद इस वाले हिस्से को जो यहाँ जस्ट नीचे पाया जाता है इसको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स. इसे हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं. टॉन्सिल्स ओके. देन आफ्टर इसको हम कहते हैं फोरामन सीकम. फोरामन सीकम
इस मिडिल पार्ट को हम कहते हैं सल्कम, सल्कम टर्मिनेलिस नेलिस। ओके, इसके बाद यहां पर पाया जाता है कहीं पर फंजी फॉर्म लैंगुअल पैपिली, फंजी फॉर्म। लिंगुअल पैपिली। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पार्ट्स क्लियर दिख रहे हैं। एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, देन आफ्टर लिंगुअल टॉन्सल्स और साइड में पैलेटाइन टॉन्सल्स पाए जाते हैं। देन आफ्टर ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है जो लिंगुअल टॉन्सल्स के साथ टंग को ऐड करता है उसे हम फोरामन सीकम कहते हैं। नाउ लुक एट दिस टंग, यहाँ पर आपको तीन तरह के पैपले पाए जाते हैं, फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म और सरकम वेलेट लिंगुअल पैपिला। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पैपली इन द टंग। और ये उभरे हुए होते हैं इसलिए आपने देखा होगा तो जो टंग का स्ट्रक्चर है वो रफ सा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसे दिखा देते हैं, यह रफ स्ट्रक्चर है इसलिए डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ओके, तो यू डू अंडरस्टैंड हाउ द अरेंजमेंट ऑफ पैपिला इन द टंग रीजन। तो जो फंजी फॉर्म है वो आगे की तरफ, इसके पीछे फिली फॉर्म और सबसे पीछे सरकम वेलेट पैपिला पाए जाते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पैपिला इन द ह्यूमन टंग। ये प्रोड्यूसेबल होती है इसलिए देखो इसे बाहर भी निकाला जा सकता है, माउथ या बक्कल कैविटी या माउथ से बाहर भी थोड़ा बहुत निकाला जा सकता है। ये पूरी तरह से मस्कुलर होती है, इसमें कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पैपिला, इसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, राइट। लिख लीजिए फिगर। ह्यूमन टंग, ओके।